तो बेटे चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि धातु का क्या अर्थ होता है और अधातु का क्या अर्थ होता है। तो मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सबसे पहले यदि हम धातु के बारे में बात करें, धातु जिसे आप कहते हो मेटल, तो धातु में आपको एक बात ध्यान रखनी है। धातु शब्द आया है धनवान से, धनवान माने रिच, अमीर। और यहां धनवान का मतलब क्या है, अमीर किसे कहते हैं? ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि अमीर उसे कहते हैं या उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा रुपया हो, पर सच्चाई ये नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि अमीर, रिच या धनवान का क्या मतलब होता है। अमीर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हो। जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत होती है उसे आप अमीर कह सकते हो। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा रुपए हैं, पर वो खर्च बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को आप अमीर बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। मान लो एक आदमी है, उसके पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है, पर वो ना तो अच्छे कपड़े पहनता है, ना तो अच्छे चप्पल जूते पहनता है, और ना ही वो रोज नहाता है, ना ही सिर में तेल लगाता है, ना ही साबुन लगाता है। ठीक है, मतलब उसकी हालत, फटे हुए उसके कपड़े हैं, धुले हुए उसके कपड़े होते नहीं है, और संपत्ति कितनी है, 10 करोड़ रुपए की। तो यदि वो आदमी कहीं सड़क पे चलता हुआ पैदल जा रहा होगा तो कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता कि वो अमीर आदमी है, वो रिच है, वो धनवान है। अमीर आदमी की पहचान ज्यादा पैसे से नहीं होती है, अमीर आदमी की पहचान होती है खर्च करने से। जो ज्यादा पैसे खर्च करता है वही अमीर है, क्योंकि जब वो पैसे खर्च करेगा तभी दिखाई देगा दुनिया को कि वो अमीर है। जैसे मैं आपको कहूं कि आप अपने गांव में या अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, किसी विशेष उपलक्ष में चंदा इकट्ठा करने चले गए, आप दो घरों में गए, वैसे तो बहुत घरों में गए आप, पर दो घरों की हम तुलना करेंगे, उनमें से एक घर में आप गए, वहां से तो आपको मिले 10 रुपए, और दूसरे घर में गए वहां से मिले आपको 100 रुपए। तो जिसने आपको 10 रुपए दिए और जिसने आपको 100 रुपए दिए, दोनों के घर देखने में एक जैसे थे, पर जिसने 10 रुपए दिए उसे आप ज्यादा अमीर नहीं मानोगे, और जिसने आपको 100 रुपए दिए उसे आप ज्यादा अमीर मानोगे, ये बात पक्की है। क्योंकि जो ज्यादा पैसे खर्च करता है ना, उसका पैसा दुनिया को दिखाई देता है, और जो कम पैसे खर्च करता है उसका पैसा दुनिया को दिखाई नहीं देता है। तो यहां समझने की बात यह है कि अमीर वो होगा जो ज्यादा पैसे खर्च करता होगा। अब जैसे हम यहां बात करें तत्व, बहुत सारे तत्व हैं, लगभग 118 तत्व हैं हमारी प्रकृति में, हमारी पृथ्वी पर, और उन 118 तत्वों में से कौन से तत्व धातु हैं और कौन से तत्व अधातु हैं, इस बात को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो मैंने यहां हेडिंग लिखी है धातु या मेटल। धातु उसे कहते हैं जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, जो इलेक्ट्रॉन को खर्च कर सकता हो। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा धातु का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला तत्व। त्यागने का मतलब होता है छोड़ना, डोनेट करना, ठीक है, मुक्त करना। तो यदि कोई तत्व आपके सामने ऐसा है जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो, इलेक्ट्रॉन देने की हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की हो, तो समझ जाओ वो धातु है। इसी तरीके से आपको समझना है अधातु का क्या मतलब है। ये तो मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, अभी दोनों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अधातु को हम कहते हैं नॉन मेटल। अधातु का क्या मतलब है? अधातु का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण का मतलब होता है धारण करना, रिसीव करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला तत्व। आपको कोई तत्व हमने दिखाया और उस तत्व की आदत इलेक्ट्रॉन देने की है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो तत्व धातु है। और जिस तत्व की आदत इलेक्ट्रॉन लेने की होगी वो होता है अधातु। अब बच्चों के दिमाग में सवाल खड़ा होता है कि सर हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है, हम पहचान कैसे करेंगे सर? तो पहचान करने के लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं आवर्त सारणी। वैसे तो मैं आवर्त सारणी को, पूरे चैप्टर है हमारे पास आवर्त सारणी का, वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यहां मैं आवर्त सारणी में आपको दो बातें बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहली बात तो यह है कि आवर्त सारणी में होते हैं वर्ग। क्या होते हैं? वर्ग, जिन्हें आप वर्ग कह सकते हो या समूह कह सकते हो या ग्रुप कह सकते हो। अब इन वर्गों में हम बात करेंगे पहले वर्ग की, ये पहला वर्ग है, फिर दूसरा वर्ग है,
फिर तीसरा वर्ग है आवर्त सारणी, एक ऐसी सारणी है जिसमें लगभग 117-118 तत्वों को रखा गया है वर्गों के अनुसार। तो तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग के बाद चौथा वर्ग, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवा और फिर जीरो वर्ग। तो मुख्य रूप से इन वर्गों का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए आवश्यक रूप से, यदि आपको धातु और अधातु को समझना है तो इन वर्गों का आपको जरूर पता होना चाहिए। अब इनमें भाई पहले वर्ग में बहुत सारे तत्व हैं, जैसे H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, पर क्या हमें इन सभी तत्वों को याद रखना पड़ेगा धातु और अधातु को समझने के लिए? नहीं, हमें केवल उन तत्वों को ध्यान रखना जरूरी है जिनकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप पहले वर्ग में याद रखोगे Li, Na और K। पहले वर्ग में इन तीन तत्वों को याद रखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरे वर्ग में आपको पता होना चाहिए एक तो Be, एक Mg और एक Ca का। तीसरे वर्ग में आपको पता होना चाहिए बोरोन और एल्यूमिनियम का। और चौथे वर्ग में आपको कार्बन और सिलिकन का पता होना चाहिए। पांचवें वर्ग में होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, मतलब इनके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं, पर मैं केवल उन तत्वों को ही याद कराऊंगा जिनकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पांचवें वर्ग में आप नाइट्रोजन और फास्फोरस को याद रखोगे, छठे वर्ग में आपको याद रखना है ऑक्सीजन और सल्फर को, सातवें वर्ग में आपको याद रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को और आयोडीन को, और जीरो वर्ग में आपको याद रखना है HE, NE, AR को। बस इन तत्वों को आपको याद रखना है, इतना तो आप याद कर सकते हो यदि कोशिश करोगे तो। देखो मैंने आपको बताया कि यहां मैंने जो बनाई है इसे हम कहते हैं आवर्त सारणी, यहां लिखता हूं, इसे हम कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ूंगा क्योंकि ये चैप्टर है हमारे पास। आवर्त सारणी को हम इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इस आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं, ये मैंने यहां वर्ग बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा और जीरो। अब ये वर्ग किस तरीके से बनाए थे वैज्ञानिकों ने? वर्ग बनाए थे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास लिथियम का परमाणु है और लिथियम के परमाणु की बाहरी कक्षा देखी आपने, आपको पता चला कि लिथियम के परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए लिथियम को पहले वर्ग में रखा गया। इसका मतलब यह है कि जितने भी तत्वों के परमाणुओं की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा उन्हें हम पहले वर्ग में रखेंगे। पहले वर्ग में जितने भी तत्वों को रखा गया है उनकी खासियत यह है कि उनके परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें पहले वर्ग में रखा गया। दूसरे वर्ग में जितने भी तत्व हैं इनकी खासियत क्या होगी? दूसरे वर्ग के तत्वों की खासियत यह होगी कि इनकी बाहरी कक्षा में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इन्हें दूसरे वर्ग में रखा गया है। तीसरे वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? तीन। इनकी बाहरी कक्षा में चौथे वर्ग में कार्बन और सिलिकन है, इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इनकी बाहरी कक्षा में चार चार इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इन्हें चौथे वर्ग में रखा गया है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की बाहरी कक्षा में पांच पांच इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें पांचवें वर्ग में रखा गया है। ऑक्सीजन और सल्फर की बाहरी कक्षा में छह छह इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें छठे वर्ग में रखा गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बाहरी कक्षा में सात सात इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें सातवें वर्ग में रखा गया है। पर यहां समझ लो जरा ध्यान से, ऐसा मत सोचना कि हीलियम, नियोन और आर्गन, इनकी बाहरी कक्षा में जीरो जीरो इलेक्ट्रॉन है इसलिए इन्हें जीरो वर्ग में रखा गया है, ये बात सही नहीं है। इनकी बाहरी कक्षा में होते हैं आठ आठ इलेक्ट्रॉन। बस यहां थोड़ा सा बदलाव आपको समझना पड़ेगा, हीलियम, नियोन और आर्गन, इसकी बाहरी कक्षा में तो दो है, ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा में आठ है और आठ है, इन सबकी बाहरी कक्षा संतृप्त होती है। अब यहाँ कुछ बच्चे जो थोड़ा सा तेज दिमाग वाले में सोचेंगे कि सर हीलियम की बाहरी कक्षा में आपने बताए दो, यहाँ बताए आठ, यहाँ बताए आठ, जब इसकी बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसे तो फिर यहाँ रखना चाहिए था, इसे यहाँ क्यों रखा है? इसका कारण मैं आपको उसी चैप्टर में समझाऊंगा जब मैं आवर्त सारणी वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ इतना समझो कि भाई आपके पास कोई भी वर्ग है, जैसे चौथा वर्ग है, तो चौथे वर्ग में जितने भी तत्व होंगे उनकी बाहरी कक्षा में चार चार इलेक्ट्रॉन होंगे। शून्य वर्ग का खेल थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इनकी बाहरी कक्षा होती है संतृप्त यानी पूरी भरी हुई। अब देखो एक बात और बताता हूं आपको, पता चल गया आपको, यह मैंने छोटा सा रूप बनाया किसका? आवर्त सारणी का। और इस आवर्त सारणी में मैंने आपको क्या बताया? वर्ग, और वर्ग में तत्व बताए, मुख्य मुख्य तत्व कौन से आपको थोड़े से याद रखने हैं। अब हम पहचान करेंगे धातु और अधातु की। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना, प्रत्येक तत्व चाहता है या प्रत्येक परमाणु चाहता है
कि उसकी बाहरी कक्षा संतृप्त हो जाए, अर्थात उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। हर एक तत्व उसकी चाहत सिर्फ इतनी है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा भर जाए, उसकी बाहरी कक्षा पूरी भर जाए। ये पूरे भरने को ही हम कहते हैं संतृप्त होना, पूरे भरने को ही हम कहते हैं संतृप्त होना। तो परमाणु चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा क्या हो जाए, पूरी भर जाए, संतृप्त हो जाए, अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। कोई भी परमाणु जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो परमाणु हो जाता है संतृप्त, ठीक है ना। पर कुछ परमाणु ऐसे हैं जिन्हें अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है, वे 2 इलेक्ट्रॉनों में ही संतृप्त हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ही कक्षा होती है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास केवल एक कक्षा है, इसी तरीके से हीलियम के पास भी एक ही कक्षा है। जिनके पास केवल एक कक्षा है तो पहली कक्षा उनकी वही पहली कक्षा है, वही बाहरी कक्षा है, जब एक ही कक्षा है परमाणु के पास, और पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉनों में ही पूरी भर जाती है। तो आप हाइड्रोजन और हीलियम को तो कहोगे कि इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं अपनी बाहरी कक्षा में, बाकी सभी तत्वों को बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब देखो, ध्यान से देखना, आपको पता है यदि मैं आपको कहूं कि पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मैं यहां लिख रहा एन इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब होता है बाहरी कक्षा, एन इलेक्ट्रॉन, इनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है पहले वर्ग वालों की, दूसरे वर्ग वालों की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एन का मतलब बाहरी कक्षा होता है, ध्यान रखना। देखो कैसे, मान लो आपके पास ये परमाणु का नाभिक है और ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो ध्यान रखना आपको कि जो बाहरी कक्षा होती है ना ये वाली, इसे कहते हैं एन, और बाहरी से जो अंदर वाली कक्षा होती है ये सेकंड लास्ट, इसे कहते हैं एन माइनस वन, और जो इससे भी अंदर वाली कक्षा होती है इसे कहते हैं एन माइनस टू, ठीक है। तो बाहरी कक्षा एन, सेकंड लास्ट कक्षा एन माइनस वन से लिखी जाती है, और थर्ड लास्ट कक्षा लिखी जाती है एन माइनस टू से। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथे वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और पांचवें वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, छठे वर्ग के जितने भी तत्व हैं इनकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और सातवें वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, और जीरो वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये 2 में ही भर जाती है इसकी कक्षा हीलियम की। अब आपको बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई। अब मैं आपको कहता हूं कि इनमें से हर एक परमाणु चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, हर एक परमाणु की चाहत यह है। अब यदि मैं आपको कहूं कि पहले वर्ग के तत्वों की आदत बताओ क्या होगी, पहले वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने हैं इन्हें, होने चाहिए कितने, 8 है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 8 करने के 2 तरीके हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लें, एक तो इनकी बाहरी कक्षा में, जैसे मैं आपको कह दूं कि बाहरी कक्षा है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के क्या तरीके हैं, कितने तरीके हैं। आप कहोगे कि सर जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो उसके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है ना, इसे निकाल दो बाहर, बाहरी कक्षा को ही खत्म कर दो, बाहरी से अंदर वाली कक्षा जो है सेकंड लास्ट कक्षा एन माइनस वन ये वाली, ये तो पूरी भरी हुई होगी ही, ये तो पूरी संतृप्त होगी। और जब आपने बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से बाहरी कक्षा ही खत्म हो जाएगी, और जब बाहरी कक्षा खत्म हो जाएगी तो ये जो सेकंड लास्ट कक्षा है यही बाहरी कक्षा बन जाएगी, और जब यही बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी तो इसमें तो पूरा भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, ये तो संतृप्त है, तो सबको पता चलेगा कि इसकी बाहरी कक्षा पूरी भरी हुई है। यहां सिर्फ आपको इतना समझना है कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के 2 तरीके हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो अपना, और या फिर 7 ले लो। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बाहरी कक्षा खत्म, और सेकंड लास्ट कक्षा ही बाहरी कक्षा बन जाएगी। और यदि 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 1 तो था ही, और 7 किसी से ले लिए, दूसरे परमाणुओं से 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो भी 8 हो जाएंगे। तो सवाल यह खड़ा होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है या 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना ज्यादा आसान है, दोनों में से ज्यादा आसान काम कौन सा है। तो इसका जवाब है 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के मुकाबले, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है जबकि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। समझ रहे हैं ना आप, रिजल्ट तो दोनों से वही मिलेगा पर काम 2 है, एक काम तो ऐसा है जिसमें कम एनर्जी वेस्ट होगी और एक काम ऐसा है जिसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, तो काम वो करना चाहिए जिसमें कम एनर्जी वेस्ट हो। समझ रहे हैं ना, मान लो आप पढ़ लिखने के बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, आपने जो भी प्रोफेशनल कोर्स करना था कर लिया, उसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई करा और आपका सिलेक्शन हो गया 2 जगह, पहली जगह आपकी सैलरी
70,000 रुपीज है, 70,000 रुपए तनख्वाह है पहली जगह, और दूसरी जगह भी आपकी सैलरी 70,000 रुपए है, दोनों जगह आपका सिलेक्शन हो गया। पर जो पहली जॉब है उसमें तो आपको पूरे दिन धूप में मार्केट में इधर से उधर घूमना है सड़कों पे, सैलरी 70,000 रुपए है। और जो दूसरी जॉब आपको मिली उसमें भी सैलरी 70,000 है, पर आपको एसी ऑफिस में बैठ के काम करना है। तो जब आप दोनों का कंपैरिजन करोगे, दोनों जॉब का, एक जॉब तो आपकी ऐसी है जिसमें आपको पूरे दिन सड़कों पे घूमना है धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, और एक जॉब ऐसी जिसमें आपको एसी ऑफिस में बैठ के आराम से चेयर पे काम करना है और सैलरी दोनों में बराबर है। तो आप घूमने वाली, सड़कों पे धक्के खाने वाली जॉब में ज्वाइन करोगे या एसी ऑफिस में बैठने वाली जॉब में ज्वाइन करोगे, कौन सी जॉब को ज्वाइन करोगे आप? आपका जवाब बिल्कुल सही है, आप उस जॉब को ज्वाइन करोगे जिसमें आपको ज्यादा आराम मिले। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सड़कों पे घूमने वाली जॉब को ज्वाइन करेगा। यदि उसे सड़कों पे घूमने का शौक है, उसे मार्केटिंग का शौक है, तो बात दूसरी है। पर एक सामान्य आदमी उस जॉब में ज्वाइन करेगा जिसमें एनर्जी कम वेस्ट होती हो। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस, इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। भाई इनकी भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, आठ करने के दो तरीके हैं, या तो अपना एक निकाल दो इलेक्ट्रॉन, या फिर सात इलेक्ट्रॉन ले लो। एक निकालना ज्यादा आसान है और सात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने ज्यादा मुश्किल है। तो वे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, और जब वे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो इसका मतलब पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनकी आदत इलेक्ट्रॉन निकालने की है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की है। और जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है उसे क्या कहते हैं? धातु। तो पहले वर्ग के तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? अब यदि मैं आपको कहूं, चलो इसकी बात कर रहे हैं सातवें वर्ग की, सातवें वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सात। इसीलिए तो इन्हें सातवें वर्ग में रखा गया है। जब इनकी भारी कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन हैं और करने कितने हैं इन्हें? आठ। तो आठ करने के इनके पास भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें कहीं से, और दूसरा तरीका यह है कि अपने सातों इलेक्ट्रॉनों को धक्का देकर बाहर निकाल दें। तो मुझे यूं बताओ कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या सात इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लेंगे? अब आपके समझ में आ रहा होगा पक्का, एक इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है, सात इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना मुश्किल है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे सातवें वर्ग के तत्व, और जिसकी आदत एक इलेक्ट्रॉन को या कितने भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की होती है उसे कहते हैं हम अधातु। तो सातवें वर्ग के जितने भी तत्व हैं वे सब क्या हैं? अधातु, क्योंकि अधातु कहते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला तत्व। तो यदि नॉर्मली मैंने एक शब्द बताया था आपको, धातु, और धातु बना धनवान से, धनवान का मतलब रिच, अमीर। अमीर वो होता है जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉन नहीं पैसे, रुपए, जिसकी आदत पैसा खर्च करने की हो। अब अमीर वो नहीं होता जिसकी आदत, जिसके पास पैसा तो बहुत है पर वो खर्च नहीं करता है, उसे आप अमीर नहीं कह सकते हो। देखो जरा, मान लो एक आदमी जिसे आवर्त सारणी और रासायनिक विज्ञान का नहीं पता है, जिसने अभी इस बात को नहीं सीखा है, उससे आप पूछ सकते हो कि भाई जो पहले वर्ग के तत्व हैं उनकी भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और जो सातवें वर्ग के तत्व हैं उनकी भारी कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ दोनों में से अमीर कौन सा है, रिच कौन सा है, धनवान कौन सा है? तो वो कहेगा कि इनकी भारी कक्षा में तो एक इलेक्ट्रॉन है और इनकी भारी कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही अमीर है। इसके पास सात इलेक्ट्रॉन है भारी कक्षा में और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जवाब यह होगा कि जिनके पास सात इलेक्ट्रॉन है वे अमीर हैं। हम कहेंगे कि क्यों है वे अमीर? वो कहेगा कि इनके पास सात सात इलेक्ट्रॉन है भारी कक्षा में, इनके पास एक एक है, तो अमीर तो यही हुए। हम कहेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉन खर्च कौन सा करता है, जिनकी भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है वे आठ करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, त्यागते हैं, जबकि जिनकी भारी कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन है वे आठ करने के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते बल्कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है फिर भी खर्च कर रहे, इसलिए ये धातु हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है फिर भी ये खर्च नहीं कर रहे, दूसरों से ले ही रहे इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये हैं अधातु। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर बीच वालों का क्या होगा? आपने पहला वर्ग समझा दिया, सातवां समझा दिया, बीच वाले तो बता दो क्या होगा। भाई जिनकी भारी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है यानी दूसरे वर्ग के तत्व, इनकी भारी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, तो आठ करने के दो तरीके हैं, या तो दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो या छह इलेक्ट्रॉन ले लो। दो इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना कि छह इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इनकी आदत इलेक्ट्रॉन निकालने की है, जिनकी आदत अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की होती है उन्हें हम कहते हैं धातु। इसी तरीके से तीसरे वर्ग के तत्वों को देख लो, तीसरे वर्ग के तत्वों की भारी कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन है, आठ करने के दो तरीके हैं, या तो तीनों को निकाल दो या तो पांच ले लो। तीन निकालने आसान है इलेक्ट्रॉन, पांच लेने मुश्किल है, इसलिए तीन इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेंगे,
और जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है उसे हम कहते हैं धातु। इसका मतलब तीसरे वर्ग के तत्व भी धातु हैं। अब आ जाओ आप चौथे वर्ग के तत्वों पर। चौथे वर्ग के तत्व हैं कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम और भी बहुत सारे तत्व हैं। तो चौथे वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चार। और बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है तो आठ करने के दो तरीके हैं, आपके दिमाग के हिसाब से बता रहा, दो तरीके हैं। या तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो या फिर चार ताजे इलेक्ट्रॉन ले लो। भाई चार इलेक्ट्रॉनों को निकालना या चार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, दोनों में एनर्जी तो लगभग बराबर ही वेस्ट होगी। और जब दोनों में एनर्जी लगभग बराबर लगेगी तो ये कभी तो धातु की तरह व्यवहार करेंगे और कभी अधातु की तरह व्यवहार करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि इनके सामने कौन खड़ा हुआ। यदि इनके सामने धातु है, चौथे वर्ग वाले तत्वों के सामने धातु खड़ा हुआ दूसरा परमाणु, तो ये अधातु की तरह व्यवहार करेंगे, और यदि अधातु खड़ा हुआ है तो धातु की तरह व्यवहार करेंगे। और कभी कभी इनमें से जो तत्व, कुछ तत्व ऐसे हैं जो कभी धातु कभी अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें हम ना तो धातु कह सकते और ना तो कह सकते अधातु। उन्हें हम कहते हैं, एक नया शब्द है आपके लिए, उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु, जो कभी धातु है कभी अधातु है। आगे मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है? तो इनके ऊपर आप क्लियर डिसीजन नहीं ले सकते चौथे वर्ग वाले तत्वों के। वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसी स्थिति है, कैसा कंडीशन है। अब आ जाओ आप पांचवें वर्ग के तत्वों पर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। भारी कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन, आठ करने के दो तरीके, या तो ये पांचों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें या फिर तीन इलेक्ट्रॉन ले लें। आठ करने ना, पांच निकालने मुश्किल है, तीन लेने आसान है, इसलिए तीन इलेक्ट्रॉन लेंगे। और जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन लेने की होती है उसे हम कहते हैं अधातु। तो पांचवें वर्ग के तत्व अधातु हैं। इसी तरीके से छठे वर्ग के तत्वों की भारी कक्षा में छह इलेक्ट्रॉन है, आठ करने के लिए छह को निकालने के नहीं है, ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो होता है अधातु। तो ये छठे वर्ग के तत्व भी अधातु हैं और सातवें वर्ग के तत्व भी अधातु हैं। तो आपको पता चल गया कि जिसने, जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की है, डोनेट करने की है, वो तो धातु है, और जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की है वो अधातु है, और जो कभी धातु की तरह कभी अधातु की तरह व्यवहार करता है, यानी धातु और अधातु के मिले जुले गुण दिखाता है, वो होता है उपधातु, ठीक है? पर इनका क्या होगा जीरो वर्ग वालों का? जीरो वर्ग वाले हीलियम, नियोन, आर्गन, इनमें से हीलियम की भारी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है जो पूरी भरी हुई है, संतृप्त है, और नियोन, आर्गन, इसके नीचे भी बहुत सारे तत्व हैं, क्रिप्टन है, जीनोन है, इन सब की भारी कक्षा में आठ आठ इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी भारी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन है उसका पेट तो पहले ही भरा पड़ा पूरा, और जिसका पेट पहले से ही पूरा भरा पड़ा, ना तो उसे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और ना तो उसे इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, वो तो पहले ही संतृप्त है उसकी भारी कक्षा। तो ये ना तो धातु है और ना तो अधातु है। शून्य वर्ग के तत्वों की बात कर रहे बेटे हम, ना तो धातु है, ना तो अधातु है, और ना ही उपधातु है। तो फिर क्या है ये? ये तत्व तो हैं पर इन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैस। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस, जो किसी से क्रिया नहीं करती। अब सवाल खड़ा होता है कि सर अक्रिय क्यों कहा, क्यों नहीं करती है क्रिया किसी से? भाई क्रिया तो कोई तब करेगा जब उसे जरूरत पड़ेगी, और जब उसे जरूरत ही नहीं है तो वो क्रिया क्यों करेगा भाई? ये क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे किसी को जब जाके इन्हें शांति पड़ेगी। इसलिए धातुएं जितनी भी हैं, देखो यहां तक आपको पता चल गया होगा कि पहले दूसरे और तीसरे वर्ग के तत्व पक्की बात है धातु होते हैं, क्योंकि इनकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की होती है। और चौथे वर्ग के तत्व क्या होते हैं? उपधातु। वैसे तो इनमें भी बहुत सारी बातें मुझे सिखानी है चौथे वर्ग में, अभी तो मैं थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूं। पांचवें, छठे, सातवें वर्ग के तत्व होते हैं धातु, अधातु, अधातु, ठीक है? क्या होते हैं? अधातु। और ये होते हैं अक्रिय गैस। बताओ समझ में आई क्या बात आपके? ये क्या होते हैं? अक्रिय गैस, जो किसी से क्रिया नहीं करते। अब सवाल ये है कि सर धातु क्रिया क्यों करते हैं? मतलब जितने भी तत्व धातु हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जो तत्व हैं धातु, वे रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? तो उत्तर यह है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं, रिएक्शन इसलिए करते हैं, क्रिया इसलिए करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं किसी को, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। यदि आपको भिखारी को दान देना है या किसी भी गरीब को सड़क पे जो बैठे रहते हैं उन्हें दान देना है, तो आपको काम तो करना पड़ेगा, दान देने के लिए घर से चलना पड़ेगा और जाके जभी तो दान दोगे। तो जो आपने काम करा वही तो क्रिया है। इन्हें काम करने की, इन्हें क्रिया में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये कभी तो धातु की तरह व्यवहार करेंगे, कभी अधातु की तरह, कभी तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा है इनकी, कभी लेने की इच्छा है, इसलिए ये भी क्रिया में हिस्सा लेते हैं रिएक्शंस में। और अधातु रिएक्शंस में इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि अधातु को इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरों से,
और इन्हें इनकी बाहरी कक्षाएं पूरी भरी पड़ी हैं, शून्य वर्ग के जितने भी तत्व हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड है, पूरे भरे हुए हैं, संतृप्त हैं। तो इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ही किसी को देना, तो ये क्यों किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए ये क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं अक्रिय गैस, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए गैस कहा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, जल्दी से पोज करके इस बात को लिखो, पहले आप पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है।